بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بهم فصلي له بسم الله الرحمن الرحيم امر بولا हमने जो कुरान शरीफ की तिलावत करी उसमें जो गलतियाँ बेहतरी हों सबको माफ़ फरमाना, इसमें जो कौम पेशी रह गई अपनी रहमत खास के सदक़े में उसको पूरा फरमाना, इसका नजराना हुज़ूर अकरम नबी करीम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत कबूल मक़बूल फरमाना और इसका सवाब हमसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग और जो हाज़रीन मजलिस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अज़ीज़ व अक़ारिब जिस दुनिया से मुफरत फरमा गए लोगों के मुँह साले सवाब के तौर पहुँचे आपका मेरा लाख लाख शुक्र है कि हम आज यहाँ पर मुबारक महीने रबीउल अव्वल की बरसात से जनाब मोहतरम राहिल रफ़ी साहब की दुकान पर मौजूद हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से और बहुत ज़्यादा तलाश के बाद इस दुकान को सजाया है संवारा है हमारे पाकिस्तानी लोगों के लिए कि वो यहाँ पर आके अपनी ज़रूरत चीज़ें हासिल कर सकें और अच्छी तरीके से अपने घर में इनको इस्तेमाल कर सके आका अपने रहम करम के सत्ते में इनकी दुकान पर रबी अव्वल महीने के सत्ते में इनकी दुकान पर रहमत ख़ास नाजिल फरमाना बहुत ज़्यादा बरकतें नाजिल फरमाना इनको तमाम मुकम्मल परेशानियों से निजात दिलाना इनकी दुकान में आसानी अता फरमाना इनको बहुत ज़्यादा तरक्की अता फरमाना और इनको इस दुकान से दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता कामयाबी अता फरमाना सरफराजगी अता फरमाना और इनके रिस्क की आसानी अता फरमाना और इनके खुशहादगी अता फरमाना हम सबको आसानी अता फरमाना और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाना हम सबको खुशियाँ अता फरमाना और खुशियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाना तमाम तमाम मखलूक के शर से बचाना हमें तमाम वबाओं बीमारियों से बचाना हमारे खुशहाल ईमान से हमारी उम्र दराज फरमाना या आपका अपने रहम करम के सिलसिले में नेक को नेकी की तौफीक अता फरमाना गुनाहों से दूर रखना नेकों से मिलने की तौफीक अता फरमाना बदचलन और खराब लोगों से हमें दूर बचा के रखना इनके दुकान को इनके कारोबार को तमाम हासिदों के हसद से बचाना तमाम मखलूक के शर से बचाना तमाम किस्म के हादसा से बचाना और इसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत फरमाना हम सबकी दुआओं कबूलियत का दर्जा अता फरमाना कुल का भला कुल की खैर कुल का भला कुल की खैर कुल का भला कुल की खैर अल्लाहुम्मा अफ़्ताह लना बिल खैर वस्तिम लना बिल खैर वजलना वाकिद उनना बिल खैर बेदिकल खैर इन्ना काला
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राहिल भाई ने ये हमारे गिरी साहिब में एक बहुत अच्छी पाकिस्तानी मरकज़ खोला है, जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें पाकिस्तानियों के लिए, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की याद अपनी ताज़ा रखना चाहते हैं उन लोगों के लिए चीज़ें रखी हैं। और ख़ास बात यह है कि इस दुकान में जो चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम जो है आला क्वालिटी की हैं, और इतनी खूबसूरत दुकान है कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये पाकिस्तानी की दुकान है। इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत दुकान आज तक हमने किसी पाकिस्तानी की देखी नहीं है, बिल्कुल नई इमारत में और नई। अब हम राहिल भाई से पूछते हैं कि उनके तासुरात क्या हैं इस सिलसिले में, और उन्होंने किस तरह से इस अपनी मेहनत से इस दुकान को बनाया। अस्सलाम वालेकुम। मैं काफ़ी अर्से से तलाश कर रहा था कि मुझे कहीं पर दुकान मिल जाए, लेकिन काफ़ी तलाश करने के बाद फिर मुझे ये जगह मिली है। तो ये काफ़ी अच्छी जगह है, साफ़ सुथरी जगह है, और हमारी ये अपनी प्रोडक्ट है, CMS के नाम की हमारी अपनी प्रोडक्ट है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। हर चीज़ जो है वाफिर मिकदार में और बड़ी बड़ी पैकिंग के साथ मौजूद है, और ये चीज़ें आपको और कहीं नज़र नहीं आएंगी यहाँ पे, जो इनके पास अच्छी क्वालिटी की मौजूद है। मनकुलात.com जो है इनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता है, और जो है इनको लिए दुआ करते हैं। अगला आपके साथ आपका क्या प्रोग्राम है? इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आप बोल रहे थे, बता रहे थे कि क्या? हाँ, हम तकरीबन 2 वीक के बाद हम इधर गोश्त का भी सिस्टम करने लगे हैं, तो इधर काफ़ी लोग, हमारी अपनी कम्युनिटी इधर काफ़ी ज़्यादा है गिरी साहिब में, तो वो लोग अक्सर कहते हैं कि हमें इधर, हम एक जगह पर आए और हमें वहाँ, हम वही चीज़ जगह पसंद करते हैं जहाँ पर सारी चीज़ें मिलें। तो खैर, हमने उनकी सोच के मुताबिक तो यही डिसीजन किया कि हम ये बड़ी सी दुकान लें। ये बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे हैं कि गोश्त का के लिए एक अलग कमरा है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज बनाया जा रहा है, वो अभी जेर तामीर है। जैसे ही वो बन जाएगा वो, तो हम उसकी भी, ये भी आपको अपने प्रोग्राम के थ्रू दावत देंगे। और हम एक छोटी सी नीचे बेसमेंट में छोटी सी एक बुटीक का भी जो है ना वो कर रहे हैं, वो भी अभी हम कर रहे हैं, तकरीबन 10-15% वो तैयार हो चुकी है। दो वीक लगेंगे, फिर उधर भी तैयार होगा। बहुत शुक्रिया राहिल भाई आपकी इस काविश का। यकीनन ये हर पाकिस्तानी के लिए आसानी फराहम करेगा। ये चीज़ें तो आपको कहीं ना कहीं से लेनी है, लेकिन इतनी सॉर्ट आउट और तरतीब से रखी हुई चीज़ें जिसको आप आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं, ये बहुत कम दुकानों पे मौजूद होती हैं। तो हम अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया राहिल भाई। अस्सलाम वालेकुम।